सो गाइस, आज हम फिर निकले हैं एक नई डिश को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बटन। फिर से एक नई डिश को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारे साथ भैया हैं, तो आप बताएंगे वो कौन सी डिश आज वो बनाने वाले हैं हमारे लिए, जो कि इनकी बेस्ट डिश है। सो भैया, आज कौन सी डिश बनाने वाले हैं आज हमारे? वेज बिरयानी। या गाइस, मैं आपको बता दूं, इनकी सबसे फेमस जो डिश है यहाँ पे वो वेज बिरयानी है। सारे भोपाल से लोग इनके पास आते हैं वेज बिरयानी को टेस्ट करने के लिए। सो आइए देखते हैं वीडियो को। पहले हम राइस को उबालेंगे कुकर में। ये राइस डाला हुआ है इसमें। ओके जी, बाद हम चॉपिंग करेंगे। सबसे पहले अदरक को कद्दूकस करेंगे। इसको कद्दूकस कर लिया अदरक को, उसके बाद लहसुन को चॉप करेंगे। ग्रीन चिली चॉपिंग कर रहे हैं। इसको लंबी लंबी लच्छे में काट के रखना है। ओके, उसके बाद हम इसमें सोयाबीन को हमने पहले से फुला के ले लिया है, और इसके बाद सोयाबीन को पहले रख दिया फुला के। ये हमने अभी कैरेट को चॉपिंग करना है। इसको ऐसा ही काटना है। अभी धनिया चॉपिंग कर रहे हैं। देसी मटर लिया है। अच्छा, सारी मतलब हाइजीनिक के लिए देसी मटर जो अभी सीजनल है। सो फाइनली हमारा राइस बॉईल हो चुका है। क्या अभी आप कुकर के अंदर ही सारे इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं क्या? सर, अभी इसको सारा इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने चॉप किया है पहले उसको हम कटिंग फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई में। ओके, फ्राई पैन में, मतलब पहले उसको फ्राई किया जाएगा। कढ़ाई में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसके बाद जो भी हमारे सीक्रेट मसाले हैं, हाँ, तो मसाले डालेंगे। उसके बाद चावल को डालेंगे। ओके। और मिक्स करके ऊपर से हरी धनिया डालेंगे। ओके। कोरिएंडर लीव्स, हाँ, उसके बाद प्रॉपर तैयार हो जाएगा हमारी बिरयानी। ओके, तो जो आपका स्पेशल मसाला है, मतलब जो सीक्रेट आपका मसाला है, वो आप इसमें जब आप कढ़ाई में फ्राई करेंगे तब उसको आप डालेंगे। चुका है, गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा, सबसे पहले जीरा डालेंगे। उसके बाद जिंजर डालेंगे। ओके। उसके बाद गार्लिक। उसके बाद ग्रीन चिल्ली। उसके बाद ओनियन। थोड़ी देर इसको चलाएंगे।
प्याज को हल्का सा रेड करना है, लाइट रेड करना है इसको। उसके बाद जो हमने सारा जो इंग्रेडिएंट्स जो काटा था, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, सोयाबीन की बड़ी है इसमें, वो सब इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार वाइट सॉल्ट, आधा चम्मच अजीनोमोटो, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट, इसको हम धीमे धीमे चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे ग्रीन मटर, अब इसको जब तक पकाना है जब तक मतलब ये हो जाए, तो इसको प्रॉपरली मतलब बेक करना है, गलाना है, ज़्यादा भी नहीं गलाना है, कम भी नहीं गलाना, मतलब मीडियम गला रहेगा, इससे कि हम जब चावल डालें तो मतलब बिल्कुल भी भरता ना बने इसका, इसके लिए आप करके गलाना बोलते हैं। हो जाएगी तुम्हारा सब हो जाएगा मटर का। सो अभी इसको आप हाफ फ्राई करेंगे, मतलब जब तक वेट करना है इसका, जब तक हमारा ग्रीन पीस जो ये ग्रीन मटर है ना, हाँ, ये हो जाएगा तो सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जब तक आपकी ये मटर नहीं पकती तब तक आपको वेट करना है। तो इसको हम देखेंगे ये घी है या नहीं। अच्छा, मटर हो चुकी है, मटर हो चुकी है, और इसके बाद हम इसको मसाला मिक्स करेंगे, जरा सा हल्दी, ओके, आधा चम्मच धनिया, हरा धनिया नहीं, कोरिएंडर पाउडर, ओके, और ज़्यादा मिर्ची खाना है तो हम रेड चिल्ली पाउडर स्पाइसी भी कर सकते हैं, मतलब हम क्या है कि स्वाद अनुसार हम मीडियम स्पाइसी रखते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये गरम मसाला है आधा चम्मच, उसके बाद ये हमारा सीक्रेट मसाला है, ओके जी, जिससे हम इसी डालते हैं जो। अच्छा, ये आपका सीक्रेट मसाला है जिससे आपकी वेज बिरयानी स्पेशल है। कर देंगे मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे टमाटो, थोड़ी देर वेट करेंगे टमाटो हल्का सा गलाने के लिए, इसमें राइस डालेंगे। अब इसमें बॉइल्ड राइस डालेंगे, थोड़ा
इसको मिक्स कर देंगे। कोरिएंडर लीव्स इसमें ऊपर से डाल दिया, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये हमारी वेज बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो गाइस, अब फाइनली हमारी वेज बिरयानी रेडी हो चुकी है। प्रॉपरली गार्निशिंग की जा रही है हमारी वेज बिरयानी की। सो गाइस, हमारी वेज बिरयानी प्रॉपरली रेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं इसको, और अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही क्लीन तरीके से इसे बनाया गया है, हाइजीन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस, ये इसका टेस्ट बहुत ही औसम है, और वाकई में जो इन्होंने अपना जो स्पेशल मसाला यूज़ किया है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। और मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, मारुति कुछ इनकी शॉप का नाम है, और ये बिरयानी यहाँ आके जरूर।